राजस्थान में कांग्रेस के भीतर एक बार फिर से सियासी विवाद देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेसी नेता सचिन पायलट को एक बार फिर से गद्दार कहकर विवाद को हवा दे दी है। एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में अशोक गहलोत ने कहा कि गद्दार मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, हाईकमान सचिन पायलट को सीएम नहीं बना सकता, उन्होंने पार्टी को धोखा दिया है, वो गद्दार हैं। गुजरात में प्रचार करने पहुंचे अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि एक गद्दार मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, मुझे पता है कि हमने कैसे सरकार बचाई, हमने 34 दिनों में बहुत कुछ भुगता, हम 34 दिनों तक राजभवन के सामने धरना देते रहे, हाईकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता, एक ऐसा शख्स जिसके पास 10 विधायक भी नहीं है। ये भी कहा कि पायलट के पास मुश्किल से 10 विधायकों का समर्थन हासिल है और किसी कीमत पर उन्हें सीएम मंजूर नहीं किया जाएगा। एक टीवी इंटरव्यू में पूर्व उप मुख्यमंत्री पर कई आरोप लगाते हुए गहलोत ने ये भी कहा कि सचिन पायलट ने अभी तक माफी नहीं मांगी है, यदि उन्होंने माफी मांग ली होती तो शायद उनका इस तरह विरोध नहीं होता। अशोक गहलोत ने कहा कि ऐसा शख्स जिसने विद्रोह किया हो, उन्होंने गद्दार पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस को धोखा दिया, वो गद्दार हैं। ये संभवतः हिंदुस्तान में पहली बार हुआ होगा जब एक पार्टी अध्यक्ष ने अपनी ही सरकार गिराने की कोशिश की।